इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से और बिहार के डिप्टी सीएम आवास पर काफी संख्या में पटना के राजीव नगर नेपाली नगर इलाकों के रहने वाले लोग करीबन हजारों घर से बेघर किया जा रहा है। उसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम आवास का घेराव करने पहुंची है और बस एक ही मांग है कि हमारा आवास नहीं तोड़ा जाए। उसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम के आवास के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और घर का घेराव कर रहे हैं, डिप्टी सीएम से मिलने की मांग कर रहे हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बिहार के डिप्टी सीएम के आवास पर आप लोग काफी संख्या में, क्या मामला है? डिप्टी सीएम साहब आवास तोड़वाने के आदेश दिए हुए हैं, सीओ साहब और वगैरह नोटिस कर रहे हैं। बेघर आवास तोड़वाने, ये नेपाली नगर शक्तिपुरम कॉलोनी की जो 400 एकड़ की बात कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अब डिप्टी सीएम साहब इस विभाग से हैं, हम लोग गुहार लगाने आए हैं कि हम लोगों की आवास अवैध नहीं है या कोई झुग्गी नहीं है जो तोड़ दिया जाए। भी बच्चे के साथ कहाँ जाएगा आदमी? कितनी संख्या में आपको? संख्या समथिंग 400-500 आदमी है। घर कितना है वहाँ पर? वहाँ पर कम से कम 400 एकड़ में 7-8 हज़ार मकान है और मीडिया वाले या पेपर में सीओ साहब के माध्यम से नोटिस में दिया जा रहा है कि 60-70 ही आवास है। इसीलिए हम माननीय डिप्टी सीएम साहब से अवगत कराना चाह रहे हैं कि 7-8 हज़ार मकान को 70-80 मकान बताया जा रहा है, स्वयं और निरीक्षण करा के जांच करा लिया जाए। आगे क्या करेंगे? आगे जांच क्या करेंगे? बीवी बच्चा जाएगा तो ठीक है, मरना ही है तो सीएम साहब के आवास पर है, गोली चलवा दे, मार दे जनता को।